आज के इस बेस्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बेस्ट बेस्ट 3 फोन बताने वाला हूं, वो भी अंडर 10,000 की रेंज में, 10,000 रुपए की कीमत में आप लोगों को टॉप 3 बेस्ट फोन बताने वाला हूं। ये टॉप 3 बेस्ट फोन बहुत ही अच्छे फोन होंगे जिसमें आप लोगों को कमाल की बैटरी मिलने वाली, यानी जबरदस्त बड़ी बैटरी और एक बड़ी डिस्प्ले, साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रोसेसर जो कि आपके सारी नीड्स को पूरा कर सके। यही सारी चीजों को मैंने ध्यान में रखते हुए तीन फोन्स को खास तौर पे आप लोगों के लिए चुना है जो कि अंडर 10,000 की रेंज में होंगे, 10,000 रुपए की कीमत में। और अगर आप भी सोच रहे हैं 10,000 रुपए की कीमत में एक फोन लेना, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे अपने तीसरे फोन से और 10,000 रुपए की कीमत में ये तीसरा फोन बहुत ही जबरदस्त आता है। इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीजें मिल जाती हैं, एक अच्छी बैटरी मिल जाती है और अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाती है, जबरदस्त प्रोसेसर मिल जाता है, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग तीसरे फोन की। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रियलमी 3, एक बहुत ही अच्छा फोन है। चलिए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ऑक्टा कोर 2.1 गीग्स का मीडियाटेक हीलियो P70 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, जो कि 10,000 रुपए की कीमत में आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है जिसमें हम गेमिंग वगैरह बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 3GB रैम और 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आप लोगों को मिलता है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.2 इंच की HD डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है। ये एक मुझे लगता है कि कौन है इस फोन का, क्योंकि यहाँ पर इस फोन में HD डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है, फुल HD डिस्प्ले ही मिलती है। साथ ही साथ अगर लुक वाइज की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को नॉच डिस्प्ले मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है 10,000 रुपए की रेंज में, जहाँ पर आप लोगों को लुक भी बहुत ही अच्छा मिलता है देखने में। कैमरा परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है LED फ्लैश के साथ रियर में, और फ्रंट में आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जिससे कि आप अच्छे फोटो ले पाते हैं और डिसेंट क्वालिटी के फोटो आ जाते हैं। बैटरी की अगर बात करें तो 4230 mAh की बैटरी मिलती है, यानी कि 4230 mAh की बैटरी मिलती है, जिससे कि आप लोगों को अच्छा बैकअप मिल जाता है, यानी कि एक या डेढ़ दिन आप आराम से यूज़ कर पाते हैं ज़्यादा जब आप यूज़ करते हैं। साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि आप लोगों को रियर में मिलता है, और OTG सपोर्ट जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं इस फोन में। जहाँ तक इस फोन की बात करें तो 9,890 रुपये या फिर 9,900 रुपये या फिर 9,990 रुपये, इस तरह की कीमत से आप लोगों को अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट पे देखने को मिल सकती है प्राइस सेगमेंट पे, और प्राइस जो होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो इतना कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय ज़रूर पेश करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बात करते हैं हम अपने दूसरे फ़ोन की। हमारा दूसरे नंबर पर आने वाला फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। इस फ़ोन को अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरी राय है कि आप ज़रूर लीजिएगा, ये फ़ोन सबसे अच्छा है। अगर मैं एक फ़ोन लेना चाहूँगा तो इस फ़ोन को ज़रूर लूँगा, गारंटी में कहता हूँ ये फ़ोन आपको ज़रूर पसंद आएगा। ASUS का ZenFone Max Pro M2 एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है, जहाँ पर इसकी कीमत कम होके, जहाँ पर ये फ़ोन आता था आपका 14,000 रुपये की कीमत से, अब इसकी कम होके कीमत हो गई है 9,999 रुपये। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के, जिसमें आप लोगों को एक ज़बरदस्त प्रोसेसर मिलता है, ज़बरदस्त बैटरी लाइफ मिलती है, साथ में आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा कैमरा मिलता है। चलिए देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ऑक्टा कोर 1.9 गीग्स का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर मिलता है, 3GB रैम और 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 6.2 इंच की फुल HD डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाती है इसमें 403 PPI डेंसिटी के साथ, जहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है LED फ्लैश के साथ, जहाँ पर फ्रंट में आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। अब अगर आप अपडेट्स वगैरह कर लेते हैं और अगर आप अपग्रेड कर लेते हैं 9 Pie में, तो आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, जिसमें आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है इस फ़ोन में, और लुक वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़ोन देखने में लगता है। अब अगर करें बात स्टॉक एंड्रॉयड की, तो यहाँ पर आप गूगल कैम भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप इसमें गूगल कैम डाउनलोड करके बहुत ही अच्छे पिक्स ले सकते हैं। बैटरी की अगर बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है, बट इसमें कुछ चार्जिंग का सपोर्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त है, देखने में बहुत ही एलिगेंट और अच्छा लगता है। कमाल के प्राइस हैं 9,999 रुपये की कीमत में। तो मेरी राय है कि अगर आप एक फ़ोन लेना चाहते हैं तो इस फ़ोन को 9,000 रुपये की कीमत में, 9,999 रुपये की कीमत में
जरूर बाय करिए। यहाँ पर शाओमी जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। शाओमी ने रेडमी नोट 7 को निकाल कर एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि रेडमी नोट 7 है वो अब आप लोगों को कम कीमत में मिल रहा है। 10,499 रुपए की कीमत में आप लोगों को ये फ़ोन मिल जाएगा। और रेडमी नोट 7 में बहुत सारी खूबियाँ हैं जिससे कि ये फ़ोन बहुत ही अच्छा बन जाता है। और इसमें आप लोगों को कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी और डिस्प्ले, साथ ही साथ परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही अच्छा फ़ोन है। चलिए जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ऑक्टाकोर 2.2 गीगस का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर आप लोगों को मिलता है, 3GB रैम और 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले आप लोगों को मिलती है। कैमरा परफॉर्मेंस में आप लोगों को 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा LED फ्लैश के साथ रियर में, और फ्रंट में आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। जहाँ तक देखा जाए लुक वाइज तो बहुत ही अच्छा लगता है। यू शेप नॉच डिस्प्ले और बैक में आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, और फ्रंट में भी आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। जहाँ पे आप लोगों को कैमरा परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस आप लोगों को इसमें मिलती है। बैटरी की अगर बात करें तो 4000mAh की बैटरी, क्विक चार्जिंग, 4.2 का सपोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट जैसे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं इस फ़ोन में। जहाँ तक इस फ़ोन की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी स्पेक्स हैं और बहुत ही अच्छा फ़ोन है। प्राइस भी बहुत ही अच्छी है इसकी, 10,499 रुपये, बट बहुत लोग इन फ़ोन्स को ख़रीद नहीं पाते हैं। रेडमी नोट 7 की जगह पर रेडमी नोट 7 एस भी आ चुका है, तो वो भी उसकी भी कीमत कुछ लगभग 12,000 रुपये की। तो आप देख सकते हैं कि आपको इन तीनों फ़ोन्स में से कौन सा बेस्ट फ़ोन लगा, आप कौन सा इन तीनों में से फ़ोन लेना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वक्त कौन सा आप फ़ोन चला रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है फ़ोन से रिलेटेड, कौन सा आप फ़ोन लेना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर उन लोगों को ज़रूर कर दिएगा जो 10,000 रुपये की कीमत में एक फ़ोन लेना चाहते हैं और आपसे कभी पूछा होगा उन्होंने। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।